थैंक यू सो मच. तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या कर रही हो. रियली इट मीन्स अ लॉट. नो प्रॉब्लम एट ऑल तानिया. अब हम दोनों मिलकर पता लगाएंगे कि रोहन भैया का अफेयर किस लड़की के साथ चल रहा है. तुम इतनी टेंशन मत लो. प्रेगनेंसी में इतना स्ट्रेस लेना अच्छी बात नहीं है. रोहन परी आई. व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज. परी तुमसे ही मिलने आई है. वो कह रही थी वो तुम्हारे साथ काम करेगी. वाओ दैट्स गुड न्यूज. वेलकम टू द फैमिली. तानिया बेबी मैं बहुत थका हुआ हूँ तो प्लीज मेरे लिए एक कप कॉफी स्पेशल वाली. श्योर. थैंक्स. परी आई कांट बिलीव दिस. तानिया ने मेरी कार में ट्रैकर फिट किया हुआ है. व्हाट एग्जैक्टली. मेरा भी यही रिएक्शन था कि उस तानिया में इतना दिमाग कहाँ से आ गया. रोहन कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको हम दोनों के बारे में सब कुछ पता चल गया और वो हमारे साथ कोई गेम खेल रही हो. ट्रस्ट मी ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन अब बस हमें जो भी कुछ करना है वो सोच समझ कर करना होगा. तान्या जो भी कुछ कर रही है ना उसे करने दो. लेकिन मैं इस तरह तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा. एंड दैट्स अ प्रॉमिस. और मैं किसी भी हाल में उसे जीतने नहीं दूंगा. हाँ कहाँ रोहन. मैं एक पेशेंट के घर पे आया हूँ. अर्जेंट था. बताओ क्या हुआ. इसका मतलब रोहित ने मुझसे झूठ बोला. उसने मुझसे कहा वो पेशेंट के साथ है जबकि वो रानी के साथ था. अगर वो रानी से मिलने गया था तो मुझे बताया क्यों नहीं. आखिर ऐसी क्या बात है जो वो छुपा रहा है. मर जाऊंगा इस गिल्ट से. ऐसा लग रहा है मुझे सोना से झूठ पे झूठ बोले जा रहा हूं और माफी वो मुझसे मांग रही है. सच में मन कर रहा है कि उसे सब कुछ सच बता दूं. रोहित प्लीज इमोशंस में आके सोनाक्षी को सच मत बता देना. अगर उसे रानी का सच पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा. और तुम उसे पूजा के बारे में जानता हूँ निशी बुआ जानता हूँ. इसीलिए चाह कर भी चुप बैठा हूँ ना. टॉर्चर कर रहा हूँ अपने आप को. नजरें नहीं मिला पाता अपने आप से. पता है कभी कभी बस ये सोच के अपने आप को तसल्ली देता हूँ कि अगर सच सामने आ गया तो पता नहीं कितना बड़ा तूफान आ जाएगा. बस डर एक ही बात का है. अगर सोना को मेरे झूठ का पता चल गया तो खाने की खुशबू तो बहुत मस्त आ रही है. है ना? क्या बना है? Presenting the coffee walnut cake, New Year special. अरे वाह चर्या जल्दी कटना. आज मुझे भी रेस्टोरेंट जल्दी जाना है. सेलिब्रेशन है फुल ऑन लेट नाइट तक. रेस्टोरेंट पूरी बुक्ड है. रोहित सोनाक्षी कहाँ है? बस पहुंच रही होगी. ओके. पूजा तुम शुरू करो. माँ एक बार रानी माँ आ जाए फिर. वो आ जाएगी बेटा. तुम शुरू तो करो. एक्टिंग करके काम खत्म करूं ताकि मुझे मेरी सितारा वापस मिल जाए. छोड़ो मुझे. हाथ मत लगाना. तुम तो मुझे क्या समझती हो तुम मुझे. इधर आओ. डॉक्टर नरेंद्र सिप्पी आप इसे ये बड़ी बड़ी आंखों से क्यों घूर रहे हैं मुझे. चिल्लाओ. अरे जोर से चिल्लाओ. बेइज्जती करो मेरी. हाँ ये सब क्या तमाशा लगा के रखा है. दिमाग खराब हो गया तुम्हारा. मामू की तरफ से मैं माफी मांग. अरे हट. हाथ मत लगाना मुझे. हाँ और ये तू क्या बकवास कर रही है. ये बकवास तब क्यों नहीं की जब तेरे ये नरेंद्र मामू ने मेरी बेइज्जती की थी. तू चुप कर. बस इसको छोड़. हाँ तो ये बता तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती. मैंने तुझे परमिशन दी थी कि जा पार्टी कर ऐश कर एंजॉय कर अपनी लाइफ. पर तूने मेरी बात नहीं सुनी ना. तूने वो सोनाक्षी की बात सुनी. क्यों
सोनाक्षी तेरी ज्यादा सगी हो गई, सोनाक्षी मुझसे ज्यादा समझ आ रहा है क्या? माँ ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रही हैं, प्लीज माँ माँ प्लीज। अरे हट, देखिए जो तेरा रोने धोने का नाटक है ना, तू मेरे आगे मत करना, चल आंसू भी नकली है तेरे, हट। गुड इवनिंग मैम। देखा पूजा, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस औरत से दूर रहो, शी इज एन अल्कोहलिक, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी ना। अब देख लिया तुमने, जब तुम इसके आसपास रहती थी ना, इसलिए मुझे इतना डर लगता था पूजा। तो मुझे कौन सा शौक था तुम्हारे घर आने का? हाँ कुछ उस सोनाक्षी से कि मुझे यहाँ क्यों लेकर आई वो तुम्हारे घर में? अरे वाह कमाल है, मतलब आदर्श बहू का नाम लो और ऐसे करके प्रकट हो जाती है यहाँ पर। हाँ पूछो, सब पूछो इनसे। हाँ बहुत सही टाइम पे आई हो, बस तुम्हारी कमी थी इस घर में। पधारो सब पार्वती माता, सबको सिखाने वाली जगत गुरु। मैं थक गई हूँ यार, इतना अच्छा बनने का नाटक, ये बड़े बड़े आंसू बहाने पड़ते तेरे लिए। हाँ बस बहुत हो गया, मुझसे नहीं होता। क्या क्या सोनाक्षी, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? आपको भी शौक लगा? पर क्यों, मैं तो ऐसे ही हूँ और यही मेरी सच्चाई है। आपको पता है मुझे क्या लगा कि मैं यहाँ आऊंगी, अपनी पूजा से मिलूंगी और इस घर में ना मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, पर कोई पैसा वैसा नहीं मिला। ऊपर से ये पूजा रानी माँ करके मेरे गले ही पड़ गई है, दिमाग खराब करके रख दिया इसने मेरा। पर तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि मुझे इस घर में लेकर आई। अब तुम एक काम करो, तुमने ये पूजा कर रख लो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, इतना भगाने वाली लड़की किसको चाहिए? आप तो मुझे ना बस थोड़े से पैसे दे दीजिए, मेरी तो जिंदगी सवर जाएगी। रखो इस पूजा को आप, मुझे नहीं चाहिए ये। How dare you? रानी ये क्या बदतमीजी है, कम से कम अपनी बेटी की फीलिंग्स का तो ख्याल रखो। अरे वाह लो बे, अब ये मुझे बताएंगी कि एक आदर्श माँ कैसे बना जाता है जिनकी खुद की कोई औलाद ही नहीं है। Get out. अभी के अभी निकल जाइए यहाँ से, आपका सामान घर पहुंचा दिया जाएगा। ठीक, जा रही हूँ मैं यहाँ से, पर तुम सब लोग याद रखो, बहुत पछताओगे। चाहिए, बहुत हो गया आपका।